हेलो बच्चों आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है तो विद्यार्थियों आज की इस क्लास में हम कक्षा और छत गणित विषय की कार्य पत्रक इक्यानवे को हल करना सीखेंगे बच्चों कार्य पत्रक एक से लेकर नब्बे तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्ले पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं बच्चों आज की इस क्लास में हम संख्याओं की तुलना करना उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे ठीक है बच्चों क्या सीखेंगे संख्याओं की तुलना करना कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है और कौन सी आपस में बराबर है फिर हम आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े क्रम में लिखना सीखेंगे आरोही क्रम क्रम का मतलब क्या है छोटे से बड़े की ओर ठीक है और, और अवरोही का मतलब क्या है बड़े से छोटे की ओर बड़े से छोटे की ओर ठीक है तो देखिए बच्चों पहला प्रश्न है दी गई संख्याओं को किसमें लिखना है आरोही क्रम में आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़े की ओर इसमें लिखना है बच्चों छोटे से बड़े की ओर देखो पहला प्रश्न क इसमें देखो बच्चों सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है तो सबसे पहले हमें क्या लिखनी है सबसे छोटी देखो बच्चों ये है आठ लाख सत्तर हजार नौ सौ नौ ये है आठ लाख ये है आठ ये है आठ और ये है आठ बच्चों तो सबसे छोटी कौन सी है आठ लाख सत्तर हजार नब्बे पहले स्थान पर लिख लेंगे दो सौ नौ ठीक है फिर कौन सी बच्चों पांच सौ तैतालीस कौन सी बच्चो आठ लाख सत्तर हजार पांच सौ तैतालीस इससे बड़ी कौन सी बच्चों आठ लाख सत्तर हजार पांच सौ पैतालीस और बच्चों सबसे बड़ी कौन सी है आठ लाख सत्तर हजार और नौ सौ नौ ठीक है आगे बढ़ते हैं ख यहाँ पर बच्चों देखो सबसे छोटी कौन सी है इनमें से तो बच्चों सबसे छोटी है दो लाख पचास हजार और बच्चों चार सौ दो ठीक है दो लाख पचास हजार चार सौ दो इससे बड़ी कौन सी है दो लाख पचास हजार चार सौ तीन इससे बड़ी बच्चों दो लाख पचास हजार चार सौ पांच ये एक नंबर पे ये दो नंबर पे और ये तीन इससे बड़ी बच्चों दो लाख पचास हजार पांच सौ एक और इससे बड़ी बच्चों दो लाख पचास हजार पांच सौ पांच ठीक है यानी ये जो संख्या दी गई है ये आरोही क्रम के अंदर ही दी गई थी आगे बच्चों प्रश्न संख्या दो नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में यानी बड़े से छोटे क्रम में लिखना है देखो तो बच्चों पहला प्रश्न है क इसमें बच्चों देखो सबसे बड़ी कौन सी है तो सबसे बड़ी को सबसे पहले लिखना है तो बच्चों इसमें से जो सबसे बड़ी है वो है छह लाख दस हजार दो सौ उन पचास है छह लाख दस हजार दो सौ उन पचास ये आ जाएगी एक नंबर पे फिर बच्चों इससे छोटी कौन सी है बच्चों इससे छोटी है छह लाख दस हजार दो सौ सैतालीस छह लाख दस हजार और दो सौ सैतालीस इससे छोटी कौन सी है सैतालीस से छोटी है छह लाख दस हजार दो सौ इकतालीस छह लाख दस हजार दो सौ इकतालीस बच्चों इससे छोटी कौन सी है छह लाख दस हजार दो सौ चालीस और बच्चों सबसे छोटी है छह लाख दस हजार दो सौ चार आगे बच्चों ख इसमें बच्चों देखो सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी तो सबसे पहले हमें कौन सा क्रम है अवरोही क्रम तो सबसे बड़ी लिखनी है तो बच्चों इसमें सबसे बड़ी कौन सी है तो बच्चों इसमें सबसे जो बड़ी है वो है देखो यहां पर दो लाख बयालीस हजार एक सौ दस है यहाँ पर दो लाख बयालीस हजार एक सौ है यहाँ पर दो सौ नौ है यहाँ पर एक सौ तीस है और यहाँ पर एक सौ यहाँ पर देखो चार लाख बाईस हजार एक सौ तीस है ठीक है तो बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ी कौन सी है तो सबसे बड़ी है बच्चो आपके चार लाख चौबीस हजार दो सौ और नौ ये सबसे क्या है बच्चों बड़ी एक नंबर पे ये आ जाएगी फिर बच्चों इससे छोटी कौन सी है चार लाख बाईस हजार एक सौ तीस ये बच्चों आ जाएगी दूसरे नंबर पे फिर बच्चों इससे छोटी कौन सी है तो बच्चों इससे छोटी है आपके दो लाख बयालीस हजार एक सौ तीस दो लाख बयालीस हजार एक सौ तीस बच्चों इससे छोटी कौन सी है दो लाख और बयालीस हजार एक सौ दस बच्चों सबसे छोटी कौन सी है दो लाख बयालीस हजार और एक सौ ठीक है तो ये बच्चों तीन नंबर पे ये चार नंबर पे और ये पांच नंबर पे तो आपको ये क्रम से लिखने हैं सबसे पहले सबसे बड़ी लिखनी थी और सबसे लास्ट में सबसे छोटी लिखनी थी आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या तीन खाली स्थान में छोटे या बड़े के चिन्ह का उपयोग करके सही उत्तर देना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है देखो क यहाँ पर कितना है तीन लाख निन्यानवे हजार उनहत्तर इधर कितना है छह लाख उनचास हजार सात सौ बत्तीस तो बच्चों यहाँ पर देखो छह लाख है यहाँ पर तीन लाख है तो कौन सा बड़ा होगा छह लाख वाली संख्या दूसरा है ख यहाँ पर बच्चों देखो कितना है आठ लाख अठासी हजार आठ सौ आठ इधर है एक लाख छियासी हजार तो बच्चों आठ लाख ,00, तो ,00, वाली संख्या बड़ी होगी फिर है ग यहाँ पर है सात लाख छियालीस हजार और निन्यानवे इधर है सात लाख छियालीस हजार और नवासी तो बच्चों निन्यानवे वाली संख्या बड़ी होगी फिर बच्चों ग है तीन लाख निन्यानवे हजार उनहत्तर इधर है एक लाख छियासी हजार एक सौ सात तो बच्चों तीन लाख निन्यानवे हजार वाली संख्या बड़ी होगी आगे बच्चों प्रश्न संख्या चार हमें सबसे बड़ी संख्या पर क्या करना है गोल घेरा करना है तो बच्चों देखो यहाँ पर दो लाख चौसठ हजार है यहाँ पर सात लाख सड़सठ हजार यहाँ पर तीन लाख नौ हजार यहाँ पर दो लाख इकतीस हजार और यहाँ पर दो लाख उन्नीस हजार तो बच्चों सबसे बड़ी कौन सी है सबसे बड़ी है सात लाख सड़सठ हजार चार सौ छियानवे फिर बच्चों सबसे बड़ी कौन सी है तो सबसे बड़ी है बच्चों नौ लाख सतहत्तर हजार उन्यासी ठीक है नौ लाख सतहत्तर हजार उन्यासी सबसे बड़ी है आगे बच्चों प्रश्न संख्या पांच सबसे छोटी संख्या पर गोल घेरा करना है इस पर सबसे छोटी संख्या पर तो बच्चों प्रश्न संख्या क में सबसे जो छोटी है वो है सात लाख पंद्रह हजार चार सौ बत्तीस और बच्चों ख में सबसे जो छोटी है वो है चार लाख सड़सठ हजार पांच सौ पचासी ठीक है तो इस तरह बच्चों हमने कार्यपत्रक पत्र इक्यानवे के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत